नमस्कार, निकाय का रण देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, निकाय चुनाव से जुड़ी। निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 से 17 अप्रैल तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया, और नामांकन प्रक्रिया में होगा कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण तरीके से पालन। और ऐसे में आज जो, क्योंकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिया गया, और नामांकन केंद्रों पर पुलिस बल और बैरिकेडिंग व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तौर पर पूरी की जा सके और नामांकन प्रक्रिया सकुशल करवाई जा सके। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के द्वारा नामांकन प्रक्रिया की निगरानी रखी जाएगी। पैनी नजर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पर रहेगी, क्योंकि तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से नामांकन कक्षों को लैस किया गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको लगातार अपडेट के साथ बता रहे हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 11 से 17 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया करी जाएगी, और निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, और कोविड प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये तैयारियां की गई है। नामांकन प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वीडियोग्राफी के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी नामांकन कक्षों की, और ऐसे में तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई है। पुलिस बैरिकेडिंग की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सभी पहलुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहीं ना कहीं तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड के मद्देनजर भी एहतियातन बरते जा रहे हैं, तमाम विषयों को लेकर सजगता बरती जा रही है, और अलर्टनेस भी देखी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए। इसके साथ साथ असद खान हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हैं। सबसे पहले हरेंद्र दुबे, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से तमाम तैयारियों का जिक्र मैं कर रही थी, निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही तैयारियों पर सबकी नजर है, और ऐसे में आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, क्या कुछ तैयारी गोरखपुर में आप देख सकते हैं? गोरखपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में है, जहाँ पर निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के बैरिकेटिंग की गई है, और खास तौर से नामांकन करने आने वाले प्रत्याशियों के दावेदारों की सघन तलाशी होगी, और सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी के अंतर्गत उनकी नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खास तौर से आज पर्चा खरीदा जाएगा, पर्चा भरने के बाद वो जब उनकी इच्छा हो तब वो 17 के बीच में नामांकन प्रक्रिया वो पूरा कर सकते हैं। खास तौर से लेकर के सुरक्षा के व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन कर रखा है, बस इंतजार है सभी दावेदारों की कि कब किस समय वो लोग आते हैं। प्रशासन के अधिकारी बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम गोरखपुर में किए गए हैं। हरेंद्र, क्योंकि कोविड का भी डर इस वक्त देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना का भी जो खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में निकाय चुनाव में तमाम तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ एहतियातन बरते जा रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से यह निर्देश और गाइडलाइन जारी किया है कि कोरोना काल का जिस तरह से प्रोटोकॉल पहले था, 2 सालों तक हम लोगों ने फॉलो किया है, उसी तरह से इस चुनाव में भी फॉलो किया जाएगा, उसको लेकर के जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे की टीम हर जगह पर, हर खिड़की पर लगा दिया है, ताकि जो भी दावेदार प्रत्याशी आएंगे, अंदर जाएंगे तो बगैर चेकिंग के अंदर नहीं जाएंगे, और सीसीटीवी कैमरा भी कैमरे के नजर में रहेंगे, ताकि उनकी जांच पड़ताल सुसज्जित तरीके से हो सके, और वो अपने कागजात जो भी है कागजात नामांकन के वो प्रक्रिया अपनी पूरी कर सके। हरिंद्र, क्या कुछ तैयारियां की गई है? पॉसिबल कैमरा पर्सन को कहकर तैयारियों का जायजा दिखाइए, किस तरह से पुलिस बल तैनाती की गई है? देखिए, यहाँ पर पुलिस बल बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं, कई थानों से
फोर्स बुलाई गई है और खासतौर से इसलिए हम नहीं दिखा सकते दर्शकों को, क्योंकि हमारे पास न कैमरामैन है और न ही कोई इस तरह के संसाधन है इस स्टैंड के माध्यम से हम दिखाने का तो प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन स्टैंड बड़ा है क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन कर रखा है। चाहे सुरक्षा की बात हो या स्वास्थ्य महकमे की बात हो या प्रशासनिक अधिकारियों, ठीक है हरेंद्र, हमारे साथ असद खान भी बने हुए राय बरेली से, उनका रुख कर लेते हैं। असद, देखिए जिस तरह से हरेंद्र बता रहे थे कि तमाम तौर पर तैयारियां पूरी की गई है गोरखपुर में, और ऐसे में आपसे जायजा लेना चाहेंगे कि राय बरेली की तस्वीरें क्या है, क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो चीज आज 11 तारीख है और 11 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और करीब ये 14 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया चली गई है। और वहीं कहीं अगर बात की ली जाए रायबरेली की, तो सदर तहसील में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही SDM सदर जो अंकिता जैन है, उनसे हमारी खास बातचीत हुई, उन्होंने सारी चीजें बताई है और सभी चीजों हर एक बिंदुओं पर उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया जो भी कच्छ हैं उनपे CCTV कैमरे की निगरानी रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव और चाहे वो पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी हो, वो पूरी चीजों का जायजा ले रहे हैं। वही अध्यक्ष पद का नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर जो सदर है, सदर तहसील में हो गया, और जो नगर पंचायत है, 9 नगर पंचायत है, इनकी तहसीलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी और वहाँ भी ये बकायदा पूरी जायजा लेने के लिए पूरी टीम एक साथ निकली हुई है और तहसील से स्टार्ट करके सभी जो 9 नगर पंचायत है उनकी तहसीलों में भी जाकर। बिल्कुल असद, लेकिन अगर 2017 चुनावों के अगर हम परिणामों को देखें तो 2017 में नगर निगम चुनावों में 16 में से 14 सीटें BJP के हाथ लगी थी और ऐसे में रायबरेली भी इसमें एक थी। कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि रायबरेली की सीट कहीं ना कहीं इस बार सपा भी दम भर रही है, क्या समीकरण इस बार बन पा रहे हैं? देखिए इस चीज को मैं स्पष्ट कर दूं, चूंकि जो पिछली नगर पालिका की जो सीट थी, सबसे पहले जो पूर्णिमा श्रीवास्तव अध्यक्ष हुई थी, 5 वर्षीय उनने पूरा निपटाया, लेकिन चुनाव उनने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और उसके बाद वो BJP में शामिल हो गई और कहीं ना कहीं से जो सीट थी और नगर पालिका के चुनाव को लेकर निकाय के रण में भी न्यूज़ 1 इंडिया ने कई वार्डों का भ्रमण किया था और वहां से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई थी, तो वो कहीं ना कहीं से नगर पालिका नहीं नरकी पालिका जरूर कहा जा रहा था और उनका काफी विरोध था। और चूंकि सदर विधायक रही अदिति सिंह, उनका पूरा समर्थन उनके साथ रहा और कहीं न कहीं जो ये चुनाव है और 32 साल बाद करीब ये 80 सीट हुई है, शेड्यूल कास्ट सीट हुई है, और उसके बाद अभी तो प्रत्याशियों का लगातार जमावड़ा लगना स्टार्ट हुआ है, चूंकि जो पहले OBC या सामान्य सीटों को लेकर जद्दोजहद चल रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल और हमारे साथ आपको रोकना चाहूंगी असद, हमारे साथ अमरोहा से मोहम्मद माजिद भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। माजिद, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बार अगर बात करें तो अमरोहा में भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए चुनाव बिल्कुल बचते नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, नामांकन प्रक्रिया का आज पहला दिन है। आप मेरे सामने देख सकते हैं यह गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर जो है तमाम मेरा कैमरामैन से कहूंगा मैं दिखा दे कि पूरी तैयारियां हो रही है लगातार जो है यहाँ, और यहाँ पर जो है 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के जो है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के लोग पहुंचेंगे। कड़ी सुरक्षा के लिए पिछली बार जो है कब्जा जमा लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव बिल्कुल बच गया, सभी विपक्षी पार्टियों में भी हड़कंप मचा हुआ है, तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं और आज नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन है। इसकी तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके अलावा लगातार सुबह से ही पुलिस फोर्स और जो है तमाम बैरिकेडिंग वगैरह कर दी गई, कैमरे की निगरानी में वहां। माजिद, कितनी संख्या में पुलिस बल इस वक्त मौजूद है अमरोहा में? पुलिस बल तैनात किया गया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गेट है, एंट्री गेट है, यही से जो है जो भी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए आएगा वही से एंट्री करेगा, उसके बाद जो है अंदर पहुंचेगा, नामांकन करने के लिए अंदर पहुंचेगा। और दूसरे जोया नगर पंचायत के लिए अलग वेरिगेटिंग की गई है, इसके अलावा नौगावा नगर पंचायत यहीं पर जो है नामांकन होना है और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन यहीं पर होना है। उसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है और बात चुनाव की जाए तो चुनाव की अधिक सूचना जारी हुई, अमरोहा
पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल कर रखी, पहले से ही प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही थी और आज जो है तैयारी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। बिल्कुल माजी, तो ऐसे में तमाम तैयारियां यानी कि वहां भी पूरी की जा चुकी है। ऐसे में हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से भी जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा। संदीप, क्या कुछ तस्वीरें आप लखनऊ में देख पा रहे हैं? नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन करवाए जाएंगे, क्या तरीके से किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का के इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 9 मंडल और 37 जिले ऐसे होंगे जहां पे नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। यानी कि इस समय हम लखनऊ में खड़े हुए हैं और लखनऊ के हम आपको तस्वीरें को दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। पहली तस्वीर दिखाएंगे कि लोगों को यहाँ पर फिलहाल आने के लिए रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग या बल्ली लगा दिया गया है और इस बल्ली के माध्यम से किसी भी बड़े वाहन को इधर आने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि इससे पीछे अगर बात करें तो 2 ऐसे जो है वो लगाए गए हैं, बल्लियाँ लगाई दी गई, बैरिकेडिंग बांध दिया गया है कि यहां से कोई आवागमन ना हो पाए। इसके साथ पुलिस की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस की व्यवस्था को भी यहां मुस्तैद कर दिया गया है, यहां पे जो पुलिस के जवान हैं वो यहां पे तैनात हैं। इसके ठीक पीछे की अगर हम तस्वीरों की बात करते हैं जहां पे नामांकन होना है, यानी कि नामांकन प्रक्रिया को जो होनी है वहां की अगर हम बात करते हैं तो वहां की दृश्यों को हम दिखाना चाहेंगे और हम वहां तक ले चलेंगे आपको कि किस तरीके से वहां पे नामांकन प्रक्रिया जो है आज से शुभारंभ हुआ है। और अब से कुछ ही देर के बाद लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ये यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी जो है दिखाते हुए जो है पूरी तरफ चारों तरफ इसके संदीप, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और ऐसे में कहीं ना कहीं समीकरण वहां के जानने बेहद जरूरी है। क्या कुछ समीकरण इस बार बन पाएंगे क्योंकि आज से नामांकन हो रहे हैं, किस तरह का उत्साह प्रत्याशी में आप देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी बिल्कुल इसको एक त्यौहार की तरह देख रहे हैं कि ये त्यौहार है, पिछले 5 साल बाद के आया है और हम लोगों को मौका मिला है चुनाव लड़ने का, चुनाव को आगे ले जाने का, तो वो उसको उस प्रक्रिया से भी वो गुजरेंगे। और नामांकन प्रक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो नामांकन प्रक्रिया आज से जो है स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ लखनऊ नगर निगम की अगर बात करें तो लखनऊ नगर निगम में देख लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से कर दी गई है और यहाँ पे किसी प्रकार से किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो यहाँ से गुजरता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पुलिस के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ किसी भी प्रकार से अगर कोई भी यहाँ एंट्री पाता है या तो उसको परमिशन दिखानी पड़ती है कि आखिर आप लोग आ रहे हैं तो आखिर क्यों आ रहे हैं। और इसके साथ साथ स्कैनिंग मशीन भी लगाई गई है कि आप अगर यहाँ से गुजरते हैं आप अपना स्कैनिंग दिखाएंगे। उसके साथ साथ में जो भी व्यक्ति अगर नगर निगम में जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो अपना आई कार्ड लेकर के निकलेगा और आई कार्ड दिखाता हुआ नजर आएगा। पुलिस की सारी व्यवस्था यहाँ पे फिलहाल कर दी गई है और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था की गई है वहाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर तरीके से इंतजाम किए गए। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें इस व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो डीएम लखनऊ मौके पे पहुंच चुके हैं और मौके पे निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ डीएम जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं आज सुरक्षा व्यवस्था को देखने हुए। सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभी 11 बजे आरओज के द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो सर, सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आवागमन बहुत होता है क्योंकि कर्मचारी भी अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है आज से? जहाँ पर भी नामांकन होता है उसके आसपास के इलाकों में जिस प्रकार से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, जो मेन ट्रैफिक है, और बाकी जिन लोगों को यहाँ आना उद्देश्य है उनके लिए आवागमन सुगम भी कराया जाता है, एक कंट्रोल्ड माहौल में मूवमेंट होता है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हमने हर तरीके से यहाँ पुख्ता व्यवस्था कर रखी है और चारों तरफ की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो वो यहाँ पे अब निरीक्षण के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण करने के लिए यहाँ से वो अपनी प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डीएम सूर्यपाल गंगवार यहाँ पहुंच करके नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी प्रकार से कोई कुछ ऐसा ना हो, तो वो पूरा करते नजर आ रहे हैं साफ तौर पे डीएम सूर्यपाल गंगवार। संदीप, हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी बने हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? प्रत्याशियों में कितना उत्साह और लोगों में कितना उत्साह इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं समीकरणों पर भी असर पड़ेगा?
देखिए खासतौर से जिस तरह से जनवरी महीने में चुनाव को लेकर के लोग तैयारी अपने किए थे, खासतौर से बीच में पाबंदी लगने के बाद फिर जब कोर्ट का आदेश आया है तो लोगों में उत्साह देखने को मिला है। खासतौर से बड़े पैमाने पर लोग अपनी होर्डिंग बोर्ड बैनर अपने अपने वार्डों में लगा दिए हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पार्टी से हैं, और जो पार्टी से हैं वो यह अपनी सोच रखे कि जब पार्टी द्वारा घोषणा की जाएगी हमारे नामों की तब हम जाकर के जो है कि नामांकन प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो उत्साह लोगों में अधिक है, और खास तौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों के लोग बड़े पैमाने पर इस नगर निगम चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव अपनी सहभागिता दर्ज करा करके और खास तौर से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि 5 सालों से बड़े पैमाने पर चुनाव के लोगों ने 7 सालों से 6 सालों से तैयारी कर रखी थी। जो 2017 में नहीं लड़े थे वो 2023 में लड़ने की योजना बनाए हैं। हरिंद्र, इस बार क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है वहां पर गोरखपुर में अच्छी पकड़ भाजपा की है, और ऐसे में क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं जिसके ऊपर ये चुनाव पूरे करवाए जाएंगे और मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे? देखिए अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर की जनता केवल केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखती है, बाकी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद गोरखपुर का चौतरफा विकास किया है, इसीलिए गोरखपुर की जनता केवल कहती है महाराज जी के नाम पर हम वोट करेंगे, ना कि भाजपा के नाम पर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर गोरखपुर में विजय हासिल करती है। और हरेंद्र, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के नाम पर वहां पर मतदाता मतदान देते हुए नजर आते हैं। वहीं रायबरेली से असद खान का रुख करना चाहूंगे। असद, क्या कुछ मुद्दे रायबरेली के रहने वाले हैं इस निकाय चुनाव में? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई, शिक्षा और जल, ये सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। चूंकि 5 सालों में जिस तरह से जनता त्रस्त हुई है, और कहीं ना कहीं से जो बीजेपी का चुनाव जीतकर अदिति सिंह चुनाव जीतकर विधायक बनी थी, और कहीं ना कहीं उनका पूरा सपोर्ट नगर पालिका को रहा है, लेकिन जनता त्रस्त है। 144 सांसद जो हैं वो 34 वार्डों के लिए नामांकन करेंगे, और कहीं ना कहीं जो सभासद हैं वो क्या मुंह लेके उस वार्ड में जाएंगे और उस वार्ड से वोट मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिलचस्प चुनाव होगा रायबरेली का। कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हुए है, वहीं सपा भी है, और कहीं ना कहीं से अब आम आदमी पार्टी, कल राष्ट्रीय दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी से पूनम किन्नर ने पिछली बार चुनाव लड़ा था और तकरीबन 14,000 वोट पाए थे। और उसके बाद जो रायबरेली का चुनाव होगा अब की बात दिलचस्प जरूर होगा, चूंकि सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि यहीं से मंत्री हैं उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिम्मेदारी उनको मिलेगी बड़ी, और कहीं ना कहीं से बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष की जो सीट है उस पर उनका दांव जरूर रहेगा। लेकिन जिस तरह असद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों में किस तरह का उत्साह है नामांकन प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव पहले से ही लेट हो चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है जानना कि निकाय चुनाव में आखिर प्रत्याशी कितने ज्यादा हिस्से में भाग ले पा रहे हैं, और आज क्योंकि पहला दिन है, किस तरह का उत्साह आप प्रत्याशियों में देख पा रहे हैं? बिल्कुल कहना सही है कि त्योहार की तरह प्रत्याशी तो इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं, जीत की घोषणा अभी से कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे उनके पास हैं। जनता के बीच जो नए प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे उनके पास एक मुद्दा होगा, वो मुद्दा होगा विकास का मुद्दा, वो मुद्दा होगा सफाई का, वो मुद्दा होगा पानी का, वो मुद्दा होगा जल भराव का। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दों पर जरूर जाएंगे और चुनाव जीतने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जनता त्राही माम बीते 5 सालों में कर चुकी है, और अब की बार जो नए प्रत्याशी हैं जो नए रूप से उतरेंगे, चूंकि ऐसी सीट हुई है तो प्रत्याशियों का चेहरा भी बदलेगा, और जनता के बीच जाके वो इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आने वाला ये समय तय करेगा, ऊंट किसका बैठता है ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल प्रत्याशियों में जो उत्साह है वो देखने लायक है, और जो प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है वो भी काबिले तारीफ है। बेशक असद, हमारे साथ संदीप भी बने हुए हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद माजिद भी हमारे साथ बने हैं अमरोहा से। माजिद, क्या तस्वीरें, किस तरह का उत्साह प्रत्याशियों में इस वक्त देखा जा रहा है नामांकन को लेकर? देखिए बता दूं, लगातार प्रक्रिया शुरू करने के बाद प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है क्योंकि अभी भी
अमरोहा नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है समाजवादी और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है कि समाजवादी से कौन लड़ेगा और बीजेपी से कौन लड़ेगा, लेकिन इन इन पार्टियों से दावेदार कई कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उम्मीद है कि आज जो है पार्टी घोषणा कर देगी कौन यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी रहेगा। इसके अलावा समाजवादी देखा जा रहा प्रत्याशियों में काफी उत्साह है, क्योंकि अमरोहा नगर पालिका में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे, क्योंकि नगर पालिका में एक बहुत पुराना मुद्दा है जल निकासी का। जल निकासी को लेकर तमाम चुनाव होते हैं और तमाम प्रत्याशी तरह तरह के दावे करते हैं कि हम जो है इन समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद 5 साल बीत जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इस बार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जल निकासी का। अमरोहा नगर पालिका में जल निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तमाम जनता के बीच इसी मुद्दे को लेकर जाते हैं, क्योंकि हम मामूली बारिश के बावजूद भी यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल काम हो जाता है, कई कई घंटे जो है लोग घरों में कैद हो जाते हैं। तो इस बार जो है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का बीजेपी की चेयरमैन की शक्ति जैन, उन्होंने भी जनता से बहुत सारे वादे किए थे और उन्होंने काफी हद तक वादे निभाए भी, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की थी और सेंटर में भी भाजपा की थी, काफी पैसा आया और काफी का हद तक विकास भी किया है उन्होंने। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था जल निकासी का, उस मुद्दे से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जनता को निजात नहीं मिल पाई। इस बार जनता देखेगी कि कैसे प्रत्याशी को वोट देगी, क्योंकि समाजवादी से यहाँ का प्रत्याशी जो है कई सारे लोग उम्मीदवार। माजिद, आपने तमाम मुद्दे गिनवाए कि किसके बिहाफ पर किसके मद्देनजर मतदाता वोट इस बार करेंगे, और ऐसे में आज नामांकन प्रक्रिया है तो बेहद ही महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी आगरा से जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ तैयारी आप देख सकते हैं, आज नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आगरा नगर निगम में मैं मौजूद हूँ, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है, ये कहाँ बैरिकेडिंग किया गया है, एक लोग नामांकन करने कंप्लीट कर दिया गया है, इसको कह सकते हैं कि पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौवन कर ली है, सीसीटीवी कैमरे की पूरी मॉनिटर कराया गया, सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि नामांकन करने के साथ जो प्रस्तावक है और उनके साथ जो दो लोग और है, चार लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, तो निश्चित तौर से यहाँ पर नामांकन आज से शुरू हो गया है। और आगरा की जो तहसील है उसमें तहसीलों में भी अलग अलग पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह से नामांकन किया है। कृष्णा, क्योंकि कोरोना का भी लगातार खतरा बना हुआ है, उसके मद्देनजर क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल, इस बार जो नामांकन हो रहा है, नामांकन को लेकर यहाँ पर जो तैयारी है, हालांकि कोरोना की जो लगातार केस बढ़ रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के जरिए से यहाँ पर पूरा नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर में दो चार लोग यहाँ से अब नामांकन शुरू हो जाएंगे। 11 से 17 तारीख तक रखी गई है, 18 तारीख को उनकी नामांकन की प्रक्रिया जांच की है, इस तरह से पूरा ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो जैसे काफी लोग जैसे आते थे उन लोगों को जैसे अंदर आने की अनुमति नहीं है, केवल जो नामांकन करने वाले जो लोग हैं उनके साथ ही जो प्रस्तावक है और जो चार लोग हैं उनको एंट्री दी जाए। कृष्णा, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ लखनऊ से संदीप मिश्रा भी जुड़ गए। संदीप, देखिए तमाम मुद्दे गिनवाए, अलग अलग जिलों से मैं मुद्दों को जान रही थी और कृष्णा त्यागी भी बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना को लेकर कोरोना के मद्देनजर तैयारियां की गई है। ऐसे में लखनऊ में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नामांकन कक्ष में वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी, सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी नामांकन प्रक्रिया के दौरान, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आपके पास है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम नामांकन की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं और उसमें अगर सीसीटीवी फुटेज हो या सीसीटीवी कैमरे की अगर बात की है, वो साफ तौर पे यहाँ लखनऊ नगर निगम में जो है पहले से ही लगाए हुए हैं, यानी कि इसकी जो वीडियोग्राफिंग है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो डीएम के अधीन होगी निश्चित तौर पर, तो वो भी एक व्यवस्था यहाँ पर की गई। इसके साथ साथ अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ से एंट्री कर रहा है, जो नगर निगम कार्यालय में जो अपने वर्कर हैं जिनके काम करने वाले हैं, उनके सबके प्रवेश पत्र जो है वो चेक किए जा रहे हैं, उसी के आधार पर उनको एंट्री दी जा रही है।
इसके साथ ही साथ में अंदर जो है लखनऊ डीएम जो है वो निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ अंदर की अगर प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो वहां पे पूरी तरीके से कैमरे लगाए गए हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, वीडियो के माध्यम से भी चीजों को जानने का प्रयास किया जाएगा। रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगभग 3 बजे तक की आज की नामांकन प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है किसी भी बाहरी व्यक्तियों को जाने के लिए परमिशन नहीं है दी गई है। इसके साथ ही साथ में जो भी आवेदन करने वाले होंगे यानी कि जो नामांकन करने की प्रक्रिया में आ जाएंगे तो उनमें से 5 लोगों को अंदर जाने की ही अनुमति मिलेगी। यानी कि अगर बहुत सी भीड़ आती है तो उनको बाहर ही रुकना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ में यहाँ चारों तरफ जो है कैमरे लगाए गए हैं जिन कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सके कि आखिर कौन कौन व्यक्ति जो है अंदर एंट्री कर रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है, उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ कई फोर्सों को लगा दिया गया, कई फोर्सों को तैनात कर दिया गया है कि जिससे कि कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के यहाँ पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग वो भी की जा रही है। साथ ही साथ में पुलिस को अलग अलग टुकड़ियों में लगाया गया है यानी कि अगर रोड मार्ग पे कोई अगर गाड़ी आती है तो उसको कैसे पास कराना है, उसको कैसे हटाना है, तो उसके लिए प्रक्रिया अलग से की गई है। इसके साथ साथ में जो अंदर प्रवेश करने के लिए जो पुलिसिंग लगाई गई वो अलग लगाई गई यानी कि स्वयं जो है इसमें यहाँ पे मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा रही है जिससे कि किसी प्रकार से कोई आपत्ति या किसी प्रकार से ऐसी बात ना हो। उसको लेकर के डीएम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, एडीएम आए हुए हैं, उसके साथ साथ नगर आयुक्त हैं यहाँ पे और वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जिलेवार तरीके से जानकारी देने के लिए कि क्या कुछ तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर की जा रही है, नामांकन प्रक्रिया को लेकर की जा रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।